जिंदगी में कामयाब होने के लिए इंसान को हर वक्त कोई ना कोई नई सोच व अपने कौशल्य को दुनिया के सामने लाना ही पड़ता है। आज के दौर में महाविद्यालयीन छात्रों व विद्यार्थियों में या फिर किसी भी क्षेत्र में शिक्षण लेने वाले छात्रों के लिए ज़रूरी है कि वह अपनी ज़िंदगी में एक विज़न फिक्स करें। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई उम्मीद का क्षण ज़रूर होता है। हर किसी को ज़िंदगी में अपने पांवों पर खड़े रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ज़िंदगी में एक यशस्वी जीवन गुजारने के लिए नई नई कल्पनाओं को उजागर करना व सीखते रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके चलते प्रत्येक विद्यार्थी खुद ही अनेक लोगों को रोज़गार दे सकता है और हर किसी की कामयाबी के बाद उसे लोग मिस्टर कूल के तौर पर जानने लग जाते हैं। इसलिए नई सोच पैदा करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा आवाहन ज़िला के जिलाधीश शैलेश नवाल ने किया। अमरावती शहर के संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में जिला नवीन्य परिषद की ओर से विभागीय तंत्र परिषद व उसी तरह विभागीय तंत्र शिक्षण महासंचालक कार्यालय संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के नव संशोधन नव उपक्रम और सहचार्य मंडल व उन्नत भारत अभियान के संयुक्त सहकार्य से आयोजित इस दो दिवसीय अमरावती स्टार्टअप बिजनेस प्लान कंपटीशन का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष के तौर पर जिलाधिकारी बोल रहे थे। इस कार्यक्रम के दौरान संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर, महाराष्ट्र राज्य नवीन्य परिषद के सदस्य तथा आयोजन सुकाणु समिति के प्रमुख प्राध्यापक दिनेश सूर्यवंशी, विभागीय तंत्र शिक्षण सह संचालक डॉक्टर डीवी जाधव, संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के नवोपक्रम संचालक डॉक्टर डीटी इंगोले, उच्च शिक्षण सह संचालक डॉक्टर संजय जगताप, कुलसचिव डॉक्टर तुषार देशमुख, तंत्र शिक्षण सहायक संचालक डॉक्टर एम ए अली, जिला नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विनोद कलंतरी व कई उद्यमी व उद्योगी उपस्थित थे। माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो की ग्रासरूट टॅलेंट ज्याला म्हणतात, तळागाळामध्ये पण प्रतिभा आहे, टॅलेंट आहे, तिला फक्त एक चांगला उचित मंच द्यावा लागतो आणि तो मंच उपलब्ध करून देण्यासाठी या स्टेट इनोव्हेशन काउन्सिलची केवळ स्थापना नाही केली तर याला बजेट पण दिलं आणि केवळ बजेट नाही दिलं तर याला सतत चालतं ठेवण्यासाठी म्हणून काही ऊर्जा आणि प्रेरणासुद्धा प्रदान केली। त्यामुळे आपल्या सर्वांच्या समक्ष या दोघांचा उल्लेख यासाठी करतो की जर का असा काही प्रयोग झाला नसता तर आज आपण 360 वर आपल्या कल्पना घेऊन इथे हजर झाले नसता। मित्रो, विज्ञान असं सांगते आणि त्यातल्या त्यात सायकोलॉजिकल सायन्स असं सांगते की दरवर्षी दर दिवसाला प्रत्येक माणसाच्या मनामध्ये वेगवेगळ्या फील्डमधल्या वेगवेगळ्या स्तरावरच्या 10,000 वर कल्पना जन्माला येतात रोज। प्रश्न एवढाच आहे की त्या 10,000 एकही कल्पना आपण पकडत नाही, तिला प्लॅन करत नाही, तिला जन्माला घालत नाही, तिचा आराखडा बनवत नाही आणि तिला इम्प्लिमेंटेशनच्या मोडवर नेत नाही। आणि म्हणून कधी एखादी बातमी आपण वाचतो तर आपल्यालाच आपलं हसू येते की अरे हे तर माझ्याही डोक्यात आलं होतं पण मी नाही केलं, कोणीतरी तिसऱ्याने केलं। इसी अवसर पर बोलते हुए जिला अधिकारी नवाल ने आगे कहा कि आज के विद्यार्थियों में संयम नहीं है और उन्होंने थ्री इडियट हिंदी फिल्म का जिक्र करते हुए कहा कि यह चित्रपट हर किसी को पसंद होगा। जब अपना दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन जब वह पास होकर अपने दोस्त से ज़्यादा नंबर हासिल करता है तो दोस्त से ज़्यादा खुशी खुद को होती है। जिस वक्त विज्ञान इंसान की सोच के साथ जुड़ जाता है उस वक्त उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी में एक रेंचो छुपा होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके खोज करने की ज़रूरत होती है। इस तरह का प्रतिपादन जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा दिया गया।